हेलो वेलकम टू टेक्सर मिथ आज के सेशन में हम रिट्रीव सिस वेल कमांड के कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ हर बार की तरह हमने यहाँ पे सबसे पहले तो तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ये वेरिएबल आप आई के ऑफिशियल वेबसाइट से रेफर करके डिक्लेयर करेंगे जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए और उसका लेंथ क्या होना चाहिए ठीक है अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दोगे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद डायरेक्टली हम कमांड यूज़ करेंगे तो आपको सिंपली लिखना है आर टी वी सिस वेल और उस पर एफ़ फोर प्रेस करना है एफ़ फोर प्रेस करने के बाद में आपको ये स्क्रीन मिलेगी जहाँ हमें दो इनपुट देने होते हैं पहला वो वैल्यू जिसको हम रिट्रीव करने वाले हैं और दूसरा वो वेरिएबल जिसमें हम उसको स्टोर करने वाले हैं ठीक है थीके? अब अगर आपको वैल्यू के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर एफ वन प्रेस करोगे एफ वन प्रेस करने के बाद में आपको ये हेल्पफुल स्क्रीन मिलेगी और इस हेल्प की स्क्रीन पे आपको सभी वो वैल्यूज़ का डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो हम आर टी बी वेल कमांड की हेल्प से रिट्रीव कर सकते हैं ठीक है ये सभी वो वैल्यूज़ है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वैल्यू अभी हमें आज ये वाला वैल्यू हम डिस्कस करेंगे जो है क्यू ई एन डी जॉब एल एम टी तो यहाँ पे इसका मेंशन क्या है मैक्सिमम टाइम इन सेकंड्स फॉर अप्लीकेशन क्लीन अप ड्यूरिंग इमीडिएट एंडिंग ऑफ जॉब तो ये टाइम रिटर्न करता है ठीक है अब यहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन भी है वेन अ जॉब बींग एंडेड हैज अ सिंगल हैंडलिंग प्रोसीजर फॉर द दर्स सिग्नल साइन साइन टर्म टर्म द सिग्नल इज जनरेटेड फॉर द फॉर दैट जॉब वेन सिग्नल वैन द सिग्नल हैंडलिंग प्रोसीजर फॉर द साइन टर्म सिग्नल इज गिवेन कंट्रोल द प्रोसीजर कैन टेक अप्रोपरिएट एक्शन टू अवॉइड

सी वी एन आर एस टी जिसका मीनिंग है फोर्स कन्वर्जन कन्वर्जन ऑन री स्टोर तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारे को क्या क्या मिलेगी पहले मिलेगा जीरो डू नॉट कन्वर्ट एनीथिंग डू नॉट प्रिवेंट एनीथिंग री स्टोर ठीक है सेकंड वैल्यू है वन ऑब्जेक्ट्स विद वैलिडेशन एरर विल बी कन्वर्टेड थर्ड वैल्यू जो हमारे को मिलेगी वो है सेकंड ऑब्जेक्ट रिक्वायरिंग कन्वर्जन टू बी यूज ऑन द करंट वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फिर है हमारे पास थर्ड वैल्यू वैल्यू थ्री इसका मीनिंग है ऑब्जेक्ट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग बीन टेम्पर्ड विद ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग द वैलिडेशन एरर्स एंड ऑब्जेक्ट रिक्वायरिंग कन्वर्जन टू बी यूज बाय द करंट वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑन द करंट मशीन विल बी कन्वर्टेड अगर फोन मिलता है तो हमारे को मीनिंग है इसका ऑब्जेक्ट दैट कंटेन सफिशियंट क्रिएशन डेटा टू बी कन्वर्टेड एंड डो नॉट हैव वैलिड डिजिटल सिग्नेचर विल बी विलड

Uh, मैं आपको दिखाता हूँ सेवंथ वाला सेवंथ में लिखा एवरी ऑब्जेक्ट विल बी रीच कन्वर्टेड ठीक है तो ये सब पॉसिबल वैल्यूज है आप यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या वैल्यू उसने रिटर्न किया है और उसका मीनिंग क्या है अगर सेवन मिलता है तो एवरी ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड ठीक है तो इस तरह से वर्क करेगा और फिर जो वैल्यू है वो हमारे पास क्यू आर आर ऑफ़ द डे चेंजेस मेड टू दिस्टम वैल्यू टेक इफेक्ट इमिडिएटली तो यहाँ से आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन मिलेगा आप उस वैल्यू का नेम कॉपी करके इस फील्ड पर डालेंगे और फिर जो भी आउटपुट होगा वो आपको वेरिएबल में मिल जाएगा उसी तरह हम लाइन नंबर एटीन पर और लाइन नंबर ट्वेंटी पे वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं सेकेंड जो अदर दो वैल्यूज थी उनको रिट्रीव कर रहे हैं तीनों लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगी हमारे पास वेरिएबल में डेटा आ जाएगा फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करने के लिए जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा करैक्टर में क्योंकि हम जो कमांड यूज़ कर रहे हैं वो है एस एन डी पी जी एम और उसमें हम करेक्टर वैल्यू ही पास कर सकते हैं तो फर्स्ट वैल्यू हमारी डेसिमल थी तो उसके लिए मैंने कन्वर्जन किया यहाँ पे तो वेरिएबल को परसेंटेज क्या है बुलटन फंक्शन में डाला उसने उसको कन्वर्ट किया और फिर उसको प्रिंट किया ठीक है लाइकवाइज़ जो अदर दो वेरिएबल है उसमें हमारे को कन्वर्जन की नीड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कैरेक्टर टाइप के हैं तो उसको सिंपली मैंने वेरिएबल में पास कर दिया इतना करने के बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ और फिर हम मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट हमारे को यहाँ पर मिल रहा है बाकी फिर आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग इस वे, इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो जस्ट डेमो पर्पज के लिए अभी हम प्रिंट करके देख रहे हैं वैल्यू पहला आउटपुट मिला वन दूसरा ज़ीरो और तीसरा थ्री तो इस तरह से ये वर्क करता है आई होप आज का सेशन आपको क्लियर होगा नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर विथ